Hello friends, so we are back with another topic, resources. This topic is taken from class 8 social studies textbook. So let's begin. So we will discuss about the basics of resource. So what do you mean by resources? As I have told earlier that Earth is the only planet where life exists. So why the life exists in Earth? We have discussed so much following reasons in yesterday's video. So basically resources is one of the reasons that's why life exists in Earth. So we will gonna discuss what do you mean by resources. So as you can see in our surroundings, basically there are some things which satisfy human needs. ठीक है, जो क्या कहते हैं यहाँ पे हम लोग पृथ्वी पे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे नीड के हमारी नीड को बहुत पूरा करती हैं और नीड को हमारी वांट को बहुत अच्छे से सेटिस्फाई करती है. बेसिकली जैसे फर्नीचर हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, कार्स हो गई, बाइक हो गई, और भी कई छोटी छोटी चीजें जैसे डस्टर हो गया, ये बेसिकली सॉफ्ट बोर्ड हो गया, ये बुक हो गई. ठीक है, बेसिकली ये सब हमारे लिए रिसोर्स है. ठीक है, तो बेसिकली कुछ रिसोर्सेस जो होते हैं वो नेचुरली निकल जाते हैं. नेचुरली मतलब वो क्या कहते हैं, फ्रॉम नेचर दे देता है. जैसे कि हमारा हो गया फॉसिल फ्यूल्स में जैसे हो गया आपका पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल. ठीक है, ये सब तो नेचुरल नए मतलब जमीन से नीचे से निकलते हैं ये सारे मिनरल्स. और ह्यूमन मेड में रिसोर्सेस है जो ह्यूमन स्किल्स और नॉलेज चाहिए होता है उनको रिसोर्सेस बनने में. बेसिकली अगर हम ह्यूमन स्किल्स और नॉलेज की बात कर रहे हैं तो जैसे कि क्या कहते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग को रॉ मटेरियल मिल गया, बेसिकली पत्थर क्या कह रहे हैं, रॉ मटेरियल मिल गया, कुछ भी मान लीजिए रॉ मटेरियल मिल गया, वुड मिल गया, जैसे लकड़ी मिल गई रॉ मटेरियल. ठीक है, तो वो अपने स्किल और नॉलेज के द्वारा वो जाके क्या करेगा, उसकी कुर्सियां बनाएगा, बेसिकली फर्नीचर बनाएगा, बेड बनाएगा, डोर बनाएगा. ठीक है, तो लकड़ी के लिए. तो बेसिकली कुछ ह्यूमन मेड बेस्ड रिसोर्सेज भी होते हैं जो ये सब चीजें भी क्या कहते हैं, इन सब चीजों से भी एक्सट्रैक्ट होते हैं. ठीक है, तो अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं. इसमें डेफिनेशन दी है कि द रॉ मटेरियल्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर. बेसिकली जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, बेसिकली कच्चा जिनका यूज नहीं होता, वो हमें नेचर देता है. जैसे हमें लकड़ी नेचर देता है, और ये वो क्या कहते हैं, हमें और भी कई चीजें होती है जो हमें नेचर से मिलती है. ठीक है, विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर नोन एज रिसोर्सेज. इसमें इन्होंने कहा है कि जो चीज रिसोर्सेज, जो नेचुरल चीज हमें रॉ मटेरियल जो हमें नेचर से मिलता है वो रिसोर्स होता है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन. ठीक है, मान लिया हमने. ठीक है, बेसिकली कुछ जैसे कि हमारा रिसोर्स हो गया, जैसे लैंड हो गया, लैंड इज ऑल्सो अ रिसोर्स, फॉरेस्ट इज ऑल्सो अ रिसोर्स, सॉइल इज ऑल्सो अ रिसोर्स, वाटर इज ऑल्सो अ रिसोर्स, एटमोसफेयर इज ऑल्सो अ रिसोर्स. ठीक है, ये सारी चीज बेसिकली जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता है उस चीज को हम रिसोर्स कहते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं ये रिसोर्सेज का इंपॉर्टेंस क्या है. तो वाई देर इज अ नीड ऑफ रिसोर्सेज, हमें रिसोर्सेज क्यों चाहिए. पहला पॉइंट, ताकि हमारी जिंदगी अच्छी हो. बेसिकली अगर रिसोर्सेज नहीं होगी तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ कर पाएंगे हम लोग वही पुराने जमाने में चले जाएंगे जब बिना रिसोर्सेज के. लेकिन तब भी रिसोर्स होते थे, हम लोग को अपनी अकल लगानी पड़ती थी. ठीक है, तो अब इतना मॉडिफिकेशन हो गया मॉडर्न पीरियड में, तो इंपॉर्टेंस क्या रिसोर्सेज की रह गई है कि ह्यूमन बीइंग्स इमेंसली मतलब दिल खोल के ये रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, अपनी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं. और जाके ह्यूमन नीड्स क्या कहते हैं, अपनी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लाइफ को मोर कंफर्टेबल और लग्जूरियस बना रहे हैं. ठीक है, तो आप लोगों ने जान लिया रिसोर्सेज के बारे में, जो बेसिकली सेटिस्फाई करता है ह्यूमन नीड्स को. इंपॉर्टेंस भी जान लिया. ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है. तो दैट्स व्हाई लाइफ एग्जिस्टेंस इज वन ऑफ द रीजन इज रिसोर्सेज. सो आगे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्स. फॉलोइंग स्टूडेंट्स, सो वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. सो बेसिकली अब हम जानेंगे कि रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं. ठीक है, तो पहला टाइप है नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, दूसरा मैन मेड रिसोर्सेज, और तीसरा आखिरी ह्यूमन रिसोर्सेज. तो पहले हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज का. अब हम नेचुरल रिसोर्सेज से क्या समझते हैं, नेचुरल से आप क्या समझते हैं. हाँ, बेसिकली जो नेचर प्रोवाइड करता है, जो नेचर देता है. हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, ये सही सोच रहे हैं. देखिए, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस से हमको मिलते हैं. ठीक है, नेचुरल सब्सटेंस कौन कौन से हो गया, बेसिकली आपका वाटर हो गया, फॉसिल फ्यूल्स हो गया. फॉसिल फ्यूल्स बेसिकली आपका कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये हो गया फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है, ये रॉक्स हो गया, मिनरल्स हो गया, और बेसिकली क्या कहते हैं, लैंड हो गया, सॉइल हो गया. तो ये सब बेसिकली जो नेचुरल
जो सब नेचर जो हमको देता है वो नेचुरल रिसोर्स में आ जाते हैं। अब बेसिकली कुछ नेचुरल रिसोर्स होते हैं जो हमको डायरेक्टली सेटिस्फाई कर देते हैं। अब जैसे वाटर, एयर, ठीक है, हमको डायरेक्टली हमारे नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। वाटर के हमें प्यास बुझा रहा है, एयर के प्रेजेंस पे हम जी रहे हैं, ठीक है। और तीसरा क्या, फ्रूट्स। अब फ्रूट्स आप देखते हैं हम डायरेक्टली तोड़ के खा लेते हैं, तो ये हमको डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इसमें कुछ और रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं जो कि रिफाइनिंग प्रोसेस से हमको बाद में मिलता है। रिफाइनिंग प्रोसेस जैसे आपको जमीन से जैसे वो निकल रहा है आपका, तो क्या कहते हैं, पेट्रोलियम निकल रहा है, तो पेट्रोलियम ऐसे थोड़ी ना, उसमें जो क्या कहते हैं, उसमें बैक्टीरिया वैक्टीरिया को रिफाइनिंग करेंगे तब आपको जाके वो पेट्रोल मिलेगा ना। तो रिफाइनिंग कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिसमें रिफाइनिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। अब हम जानेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हाँ, नेचुरल रिसोर्स के भी कई टाइप्स हैं, तो अब चलिए हम जानेंगे टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नाउ वी विल सी अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, व्हिच इज द फर्स्ट काइंड ऑफ रिसोर्सेज। सो बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज के फोर, और मतलब नेचुरल रिसोर्सेज के चार और टाइप हैं, वो भी हम आगे अभी देखेंगे। पहला टाइप क्या कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, अब ओरिजिन से आप क्या समझते हैं, ये रिसोर्सेज का क्या ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, तो इसके बेसिस पे हम इसको बांट देते हैं। ऑन द बेसिस पे बायोटिक एंड एबायोटिक, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में हमने रिसोर्सेज को दो पार्ट में बांट दिए, एबायोटिक रिसोर्सेस एंड बायोटिक रिसोर्सेस, ठीक है। तो अब हम जानेंगे एबायोटिक रिसोर्सेस और बायोटिक रिसोर्सेस में क्या डिफरेंस है। सो बेसिकली बायोटिक रिसोर्सेस वो होते हैं विच कम फ्रॉम लिविंग बींग्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क हो गया, लेदर हो गया और टिम्बर हो गया, ठीक है। तो ये बायोटिक रिसोर्सेज जो ऐसे होते हैं वो लिविंग बींग्स हमको मिलते हैं। जैसे मिल्क हमको कहाँ से मिलता है, ऑब्वियसली काओ, बफेलो, इन सबसे मिलता है, ठीक है। लेदर हमको कहाँ से मिलता है, बेसिकली लेदर क्या होता है, हमको स्किन मिलती है क्रोकोडाइल से और लायन से, लेपर्ड से, ठीक है। और क्या कहते हैं, टिम्बर हमको कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, वो भी लिविंग है। तो बेसिकली बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमको लिविंग बींग देते हैं, लिविंग बींग के द्वारा जो मिलते हैं वो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। और एबायोटिक रिसोर्सेज उसका सीधा उल्टा हो जाता है, वो हमको नॉन लिविंग बींग से मिलते हैं। अब नॉन लिविंग बींग कौन कौन से होते हैं, अब नॉन लिविंग बींग बेसिकली आपके हो गए रॉक्स हो गए, सॉइल हो गया, बेसिकली जमीन हो गया, और मिनरल्स हो गया, ये बेसिकली नॉन लिविंग है। ये भी आपको क्या कहते हैं, रिसोर्सेज देते हैं। इनके रिसोर्सेज जो होते हैं वो कहते हैं, इनके रिसोर्सेज हम लोग एग्जॉस्ट करते हैं फॉर फुलफिलिंग आर नीड्स। तो आप लोग जान गए ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में बायोटिक और एबायोटिक होते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट कैसे होता है रिसोर्सेज का, इसको भी बांट दिया है। एक्चुअल रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट में इसको बांट दिया है, एक्चुअल रिसोर्सेस और पोटेंशियल रिसोर्सेस। अब इन दोनों वर्ड्स, मतलब ये एक्चुअल रिसोर्सेस और पोटेंशियल रिसोर्सेस को बांट दिया है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ये दूसरा टाइप है नेचुरल रिसोर्सेस का। अब एक्चुअल रिसोर्सेस, एक्चुअल से आप क्या समझते हैं, हाँ, जो पर्टिकुलरली या प्रेजेंट सिनेरियो में वो एग्जिस्ट कर रहा है रिसोर्सेस, ठीक है, समझ गए आप लोग, जो कि हमारे सराउंडिंग में बेसिकली वो रिसोर्सेज जो हमें प्रेजेंट दिख रहे हैं, आंख से हमको दिख रहे हैं, जैसे कि ये पानी है, ये मिनरल है, वो हमको आग से दिख रहे हैं, और उनकी जो सारी वैल्यू है वो डिटरमाइंड है। अब जैसे आप देख लीजिए आयरन स्टील, क्या कहते हैं, आयरन ओर, जो आयरन ओर आपको कहाँ मिलेगा, छोटा नागपुर प्लेट्यू में, बेसिकली इट इज अ प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर, ठीक है। और उसके ज्यादा हमको क्या, आयरन स्टील इंडस्ट्री में वो जाएंगे, बेसिकली आयरन बन के आयेगा आयरन स्टील इंडस्ट्री जमशेदपुर में। तो बेसिकली रॉ मटेरियल से एक्चुअल रिसोर्सेज बेसिकली कुछ नहीं, आसान शब्दों में समझिए कि रिसोर्सेज जो है वो हमको अपनी आंख से और दिख रहे हैं कि इतने मात्रा में रिसोर्सेज ये सब एग्जिस्ट कर रहे हैं प्रेजेंट सिनेरियो में। ओके, गॉट इट। अब पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, पोटेंशियल वो रिसोर्सेस होते हैं बेसिकली उसमें हाई नॉलेज और स्किल चाहिए होती है। बेसिकली ये डिटरमाइंड नहीं होते, ये आज है कल नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये इनका होता है पोटेंशियल रिसोर्सेस का, ठीक है। अब पोटेंशियल रिसोर्स में बेसिकली आप समझ लीजिए विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, ये इनका पता नहीं है ये फ्यूचर में चलेंगे या अभी चलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये वैल्यू इनकी डिटरमाइंड नहीं होती। आप लोग समझिए डेवलपमेंट में एक्चुअल पोटेंशियल। अब तीसरा देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, रिन्यूएबिलिटी के बलबूते पे हम इसको बांट देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी में हम बांटते हैं इसको रिन्यूएबल रिसोर्सेस में और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी हमने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में बांट दिया। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेस कौन कौन से होते हैं, अब रिन्यू से आप क्या समझते हैं, रिन्यू से मतलब वो रिसोर्सेज
जो कहते हैं वापस से हमको मिल जाएंगे, जैसे हमने यूज करा वापस बन गए हम लोग, फिर यूज करें वापस बन गए हम लोग, फिर यूज करें, तो हम लोग ऐसे एग्जॉस्ट करते जाएंगे और वो हम लोग को वापस देता देता जाएगा, ठीक है। और इनका जो टाइम पीरियड होता है बहुत ही शॉर्टर होता है, ये 1 महीने का टाइम पीरियड चाहते हैं कि आप यूज कर लीजिए 1 महीने में फिर तैयार हो जाएगा, फिर यूज कर लीजिए 1 महीने में फिर तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये कंटिन्यूअसली यूज करते रहते हैं और ये रिसोर्सेज को ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। आप यूज कर रहे हैं ये बन भी जा रहा है, ठीक है। बेसिकली आप इसका एग्जाम्पल क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स मिल गए, क्रॉप जो फसल हो गई, अब फसल काटी दूसरी फसल आ गई, दूसरी काटी तीसरी फसल आ गई, तीसरी काटी चौथी फसल आ गई, समझ गए। तो क्रॉप आर एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस। सो नाउ वी टॉक अबाउट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब कुछ ऐसे रिसोर्सेस भी होते हैं जो कि 1 महीने या 2 महीने में 1 साल में नहीं बन सकते, उनको कई कई मिलियन 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 साल एक सेंचुरी चाहिए होती है वो रिसोर्सेज बनने में, ठीक है। बेसिकली ऐसे ऐसे तरीके की जो रिसोर्सेज हुए, बेसिकली मिनरल्स जैसे आयरन हो गया, इनको जो ओर से निकलने में इनको अगर आप पूरा एग्जॉस्ट कर जाएंगे तो ये और ज्यादा मिलियन ईयर्स लेंगे वापस से बनने में, ठीक है। तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस होते हैं। अब हम लास्ट पार्ट देखेंगे अपना ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंटल, ठीक है, सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूट हम करेंगे रिसोर्सेस को। अब डिस्ट्रीब्यूट हम कैसे करेंगे रिसोर्सेस को, दो पार्ट में। पहला पार्ट क्या है, यूबिक्यूस, UBQUITOUS, यूबिक्यूस रिसोर्सेस, और दूसरा लोकलाइज रिसोर्सेस, ठीक है। इन दोनों पार्ट में हमने बांट दी, यूबिक्यूस और लोकलाइज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यूबिक्यूस क्या है, यूबिक्यूस वो है विच आर एवरीवेयर ऑन द अर्थ, हर जगह वो है, पृथ्वी के चारों तरफ वो रिसोर्सेस फैले हुए हैं, उसको हम क्या कहेंगे, युवतीय रिसोर्सेस, युवतीय रिसोर्सेस। और लोकलाइज रिसोर्सेस वो होते हैं जो कि कुछ कुछ सेलेक्टेड लोकेशन में पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये सेलेक्टेड लोकेशन में पाए जाते हैं और इनका क्या होता है, एक क्लाइमेट चाहिए होता है, वेदर चाहिए होता है, वो जो कि पॉसिबल नहीं है, जैसे यहाँ कोल्ड वेदर चल रहा है दूसरे पार्ट ऑफ द अर्थ में, वहां भी कोल्ड वेदर चले, नहीं ऐसा नहीं होता है। इसके कारण ये लोकलाइज रिसोर्सेज कुछ कुछ सेलेक्टेड लोकेशन में पाए जाते हैं। So now we will discuss about, we have discussed about natural resources and its parts, and now we will discuss about human made resources and human. So now we will discuss about human made resources and human resources. Okay, human made resources क्या होता है? Basically जैसे ये मैंने आपको starting में बताया था इस chapter के कि human made resources are those resources which are made by human beings by themselves. ठीक है? वो natural resources से बहुत अलग होते हैं। Human made resources वो होते हैं जो basically जिनको इस स्किल चाहिए होता है और नॉलेज चाहिए होता है, तभी वो जाके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बन जाता है। अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में आपके कौन कौन से आएंगे, आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, बेसिकली कार ले लीजिए, रेलवे ट्रैक्स ले लीजिए, एंड बेसिकली और भी कई सारी चीजें, बेसिकली ब्रिज, हाईवेज, ये सब ह्यूमन मेड रिसोर्सेस में आते हैं। ये सब कहाँ से लेते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है, क्योंकि वहां से हमको क्या मिलते हैं, रॉ मटेरियल मिलते हैं। तो उसके रॉ मटेरियल मिलने के बाद ह्यूमन जो अपनी स्किल और नॉलेज के द्वारा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स एंड नॉलेज, दे क्रिएट देयर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, दे क्रिएट देयर सम रिसोर्सेज व्हिच वी कॉल्ड एम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। समझ गए आप लोग। अब ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, ये दोनों एक ही जैसे इंटरलिंक्ड है। ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स कंसिस्ट ऑफ पीपल, आपको पता ही है ह्यूमन रिसोर्स क्या है, पीपल है, जो कि हमको क्या कहते हैं, उनके स्किल और नॉलेज के द्वारा, क्या कहते हैं, स्किल नॉलेज और इंटेलिजेंस के द्वारा हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का प्रोसेस करते हैं, इनको अच्छी स्किल और डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं, फिर उसके कारण क्या कहते हैं, स्किल और डेवलपमेंट को प्रोवाइड करते हैं, उस प्रोसेस को ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कहते हैं। फिर उसके डेवलपमेंट के बाद ह्यूमन जो होता है उनका स्किल्स और वो और बेहतर इंप्रूव हो जाते हैं, फिर वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बना लेते हैं। नहीं समझ में आया, पता है मैंने बहुत तेज बोल दिया, ठीक है। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आपको पता है जो कि मैन बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स ये जानने की जरूरत है आपको, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। ह्यूमन रिसोर्सेज बेसिकली ह्यूमन रिसोर्सेज कंसिस्ट ऑफ पीपल, हम ही लोग तो हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, क्या समझ रहे हैं कि हम वी आर ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। जो हमारा जो इंटेलिजेंस स्किल और चाहिए होता है उस प्रोसेस को हम कम्बिनेशन करके उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। हम लोग को और बेहतर बनाया जाता है कि हाँ हम लोग रेलवे ट्रैक बनाएंगे, बेसिकली हम लोग और ऊंची हाईवे बनाएंगे, और ऊंचा टावर बनाएंगे, तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके इंटेलिजेंस स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, उसके डेवलपमेंट के कारण हम लोग रिसोर्सेस बनाते हैं। समझ गए, पहले डेवलपमेंट होता है फिर रिसोर्सेस बनते हैं। ओके, नाउ वी विल सी अबाउट बेसिकली
कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जान लिया कि हाँ भैया इतने उतने तरीके के होते हैं, ये भी होता है ये भी होता है, अब हम उसको कंजर्व भी तो करें, ये नहीं कि हम यूज यूज करे जा रहे हैं उसको, कंजर्वेशन उसको सेव भी तो करना हमारी ड्यूटी है। तो अब हम जानेंगे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इस कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम लोग ने जान लिया रिसोर्सेज हम लोग एग्जॉस्ट करते हैं, अच्छी अच्छी बातें हम लोग जान ली, बिल्डिंग बन रही है, रेलवे ट्रैक बन रहे, डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री का, बहुत अच्छी बात है, गुड गुड, आई अप्रिशिएट दैट। लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा है कि रिसोर्सेज का एंड क्या होगा? हर चीज का एंड होता है, आपको पता है हर चीज की लाइफ लिमिट होती है, वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता, वैसे ही हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, ठीक है। तो बेसिकली एंशियंट पीरियड में क्या होता था, पॉपुलेशन बड़ी कम थी, ठीक है, उसके कारण क्या था, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे, तो फिर क्या आराम से बैलेंस होता था कि उस जमाने में ह्यूमन वॉन्ट्स जो थे, मतलब हम लोग की जो नीड, हम लोग की मांगे जो थी वो बहुत ही लिमिटेड थी, एक सीमित थी, इतनी नीड है सबकी इतनी नीड रहेगी। लेकिन अब जो साइंटिफिक एडवांसमेंट हो रहा है, बेसिकली टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के द्वारा पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, फिर जो रिसोर्सेस है वो बहुत ही कम हो गए हैं, और उस समय वॉन्ट्स, अब रिसोर्सेस कम हो गए हैं और बॉन्ड्स जो है वो यहाँ हो गए हैं, कि हर एक ह्यूमन बीइंग चाहता है कि हम दूसरी ह्यूमन बीइंग से आगे निकले। बेसिकली जैसे आपने घड़ी खरीदी, ठीक है, हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं, घड़ी खरीदी आपने, घड़ी क्या खरीदी, हाँ बेसिकली घड़ी खरीदी, ठीक है, फिर बाद में आपने तो आपके दोस्त के पास, उससे आपकी ज्यादा अच्छी घड़ी उसके पास है, तो आप अपने घर पे गए, मम्मी वापस से कहेंगे वो जो वाली घड़ी चाहिए, तो आपके बॉन्ड्स जो है बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, कि आपको वो पहले वो घड़ी मिली, फिर आपको वो घड़ी चाहिए, फिर उसके बाद भी आप और घड़ी मांगेंगे, ठीक है, तो आपकी बॉन्ड्स जो है वो अनलिमिटेड बॉन्ड्स हैं, उसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज वो तो लिमिटेड है, हम लोग को ऐसे एफिशिएंट यूज करना है ताकि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्वेट कर सके। अब बेसिकली आप बोर्ड में देख रहे हैं 3 R's लिखे हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। बेसिकली अगर यहाँ पे 3 प्रिंसिपल आपने अपना लिए तो हम लोग को नेचुरल रिसोर्सेज और भी आगे चल के, मतलब हम लोग आगे चल के एफिशिएंट यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली रिड्यूस क्या कहता है, रिड्यूस कहता है हम लोग को वेस्टेज और रिसोर्सेस कम करना चाहिए, ठीक है, हम लोग को लिमिटेड रिसोर्सेज ही चाहिए, हम लोग को और ज्यादा रिसोर्सेज के कारण हम लोग वेस्ट नहीं कर सकते। रिड्यूस को आप समझ के, रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को कम यूज करो। रीयूज का मतलब जो कि क्या कहते हैं, हम लोग को रीयूज करना चाहिए, बेसिकली ये रिसोर्स रीयूज, ये रिसोर्सेज हमने किया फिर फेंकना नहीं चाहिए, हमको वापस से उसको रीयूज करना चाहिए, फिर वापस से रीयूज रीयूज करना चाहिए, समझ गए आप लोग। फिर रिसाइकिल क्या कहता है, रिसाइकिल वो कहता है जो कि हमारे जो रॉ मटेरियल होते हैं उसको हम फेंक देते हैं, ये ऐसे हम लोग ने रेलवे ट्रैक बनाया, वो रॉ मटेरियल फेंक दिए, फेंकना नहीं चाहिए, वापस से हम लोग को वही रॉ मटेरियल बनाने के लिए सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज चाहिए होने चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग ने जाना कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो अब हम जानेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, अ लास्ट टॉपिक इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में बात करी कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे बचा सकते हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, इज अ ओनली एंड ओनली प्रोसेस वी कैन सेव आवर नेचुरल और एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, ठीक है। तो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ऐसा डेवलपमेंट जो कि एनवायरमेंट में टेक प्लेस कर रहा है विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। ये कैसा डेवलपमेंट है जो कि डैमेज ही नहीं कर रहा एनवायरमेंट को, हाँ बिकॉज ऑफ इट्स सस्टेनेबिलिटी, नहीं समझ में आया, कोई मैथ नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है जो कि हम प्रेजेंट जो रिसोर्सेस हैं, बेसिकली प्रेजेंट रिसोर्सेस को हम ऐसा वाइजली और एफिशिएंट या इस तरीके से यूज करें वो फ्यूचर जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, ठीक है। जैसे कि आपने यूज, जैसे मैं यूज कर रहा हूँ रिसोर्सेस, ठीक है, तो मैं ऐसे एफिशिएंट तरीके से 3 R's, ऐसे रिड्यूस रिसाइकिल की तरीके से मैं यूज करूँ रिसोर्सेस को ताकि वो आगे चल के मेरे जनरेशन को प्रॉब्लम ना हो रिसोर्सेस को यूटिलाइज करने में, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही कहता है, ठीक है। और इस डेवलपमेंट को लाने के लिए इसमें कुछ कुछ नए नए फीचर्स भी दिए हैं। तो पहला फीचर क्या कहता है, रिस्पेक्ट एंड केयर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, हम लोग को रिस्पेक्ट करनी चाहिए और सारी तरीके की जिंदगी की, हम ये नहीं, बेसिकली हम लोग को रिस्पेक्ट करना चाहिए उस रॉक्स की, सॉइल की, बेसिकली जो हमें रिसोर्सेज दे रहे हैं, ठीक है, समझ गए आप लोग। पहला रिस्पेक्ट करो, फिर इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, अपनी क्वालिटी बढ़ाओ। क्वालिटी कैसे बढ़ाओगे, हम लोग को पेड़ और लगाने पड़ेंगे, ठीक है, रिसोर्सेज, पॉल्यूशन कम करो, उसके कारण क्या होगा, रिसोर्सेज की मात्रा और बढ़ेगी और क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। तीसरा क्या कहता है, कंजर्व करो, जैसा मैंने बताया, रिड्यूस रियूज और रिसाइकिल करो। चौथा, मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मैंने क्या कहा, मिनिमाइज करो रिसोर्सेज को, यूज कम करना करो, अगर रिसोर्सेज को एक बार यूज कर रहे हो तो उसको फिर से रीयूज करो या रिसाइकिल करो। और लास्ट हमारा पॉइंट कहता है, इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर एनवायरनमेंट, हाँ ये हमारी अपनी, आपकी और मेरी ड्यूटी है कि हमारे अपने एनवायरनमेंट की हम लोग खुद अपनी रक्षा करें, ठीक है, समझ गए आप लोग।
तो स्टूडेंट्स, फाइनली हमारा ये भी चैप्टर पूरा हो गया, रिसोर्सेज। तो हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ा वो मैं आपको फिर से नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ। क्या पढ़ा हमने रिसोर्सेज में कि व्हाट यू मीन बाय रिसोर्सेज, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। बेसिकली हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़े, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और क्या कहते हैं हमने आखिरी वाला कौन सा था, ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ा कि हाउ टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है, मेरे ख्याल से होगा ही डाउट, डाउट सबको आता है। अगर मेरे पढ़ाने के बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो आप घर जाके, मतलब घर में तो भाई आप लोग होप सेफ रहे, तो क्लास 8th की बुक उठाइए, आज सोसाइटी एंड कल्चर, उसमें ज्योग्राफी में ये पहला चैप्टर है रिसोर्सेज, इसको पढ़िए। अगर इसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिए, मैं आपको जवाब दूंगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियो।